हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस का एग्जांपल नंबर सेवनटीन देखते हैं क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दाइनस टू क्या कहा है उसने हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से वो पास होती हो समझो एग्जाम्पल एक तरीके से ये लाइन मान लो ये है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है हमें और जो ये लाइन है वो किस पॉइंट से पास होती हो वन कोमा माइनस टू से पास होती हो तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन देखो क्या है x माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन हमारी किस चीज में हेल्प कर सकती है स्लो फाइंड आउट करने में कर सकती है या नहीं कर सकती है बिल्कुल तो इससे हम क्या करेंगे अपनी इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो यहां पे क्या करेंगे माइनस का 2Y minus X minus 3. तो यहां पे क्या हो गया 2Y X 3. अब घबराना मत ये कैसे लिखा यहां से माइनस को मन यहां से भी माइनस को मन माइनस से माइनस कट गया तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री माइनस सारे पॉजिटिव में चेंज हो गए अब यहां से वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू को इस तरफ लेके जाएंगे वन बाई टू एक्स प्लस में थ्री बाय टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर लेंगे कंपेयर तो एम क्या आ गया बच्चों यहां पे वन बाय टू बिल्कुल सिंपल सा काम है घबराने की जरूरत नहीं है यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा बता देता हूं माइनस का टू वाई इज इक्वल टू यहां से माइनस कॉमन ले लिया अंदर क्या बच गया एक्स प्लस थ्री माइनस से माइनस कट गया तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आ गया यहां पे हमने x से x कंपेयर किया m का कोफिशिएंट 1/2 हो गया स्लोप पता चल गई हमें इस लाइन की अब देखो अगर मुझे इस लाइन की स्लोप मिल जाए पॉइंट मुझे पता है तो इसकी इक्वेशन तो मैं इजीली लिख सकता हूं इसकी स्लोप कैसे निकलेगी ये मान लो हमारी स्लोप आ गई 1/2 इसकी जो स्लोप होगी इसकी और इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी -1 के इक्वल यही तो होती है तो यहां पे क्या लिखेंगे मान लो हमारी एम आ गई इसकी स्लोप मान लो एम वन इसकी यहां पे क्या लिखेंगे व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है एम इंटू एम वन किसके इक्वल होगा बच्चों माइनस वन के इक्वल होगा या नहीं होगा इसकी स्लोप और इसकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी माइनस वन एम की वैल्यू क्या आई है वन बाई टू इन टू एम वन इज इक्वल टू माइनस वन एम तो वन की वैल्यू देखो क्या आ गई एम वन इज इक्वल टू माइनस का वन बाय बाई टू इसको लेके जाएंगे तो एम वन इज इक्वल टू क्या माइनस का टू मतलब तो हल करके दिखाया आपको सोल्यूशन दिखाया कैसे करते हैं डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहां पर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप ये चीज मैंने क्वेश्चन में बताई हुई है बट यहां पर आपको सोल्यूशन बताया कैसे होता है क्योंकि आप रट्टाफिकेशन के चक्कर में ना घुसो अब हमें पता है देखो एम वन स्लोप पता है माइनस टू पॉइंट पता है वन कोमा माइनस टू तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में कौन सा झंझट है एक मिनट में निकाल दोगे अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया क्या होता है वाई माइनस वाई वन वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस टू इज इक्वल टू एम इन टू एम की वैल्यू क्या है माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है बस यहां पे क्या आ गया वाई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस टू एक्स प्लस टू टू एक्सरफ लिया प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरोस टू एक्स भी हो सकती है कहीं ये सोचो सर ये क्यों नहीं निकाल ली ऐसे भी दिया हो सकता है शायद आंसर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि टू से टू कट गया तो वाई इज टू माइनस टू एक्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्लियर क्वेश्चन क्लियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूं आप भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट अ क्लासेज